चैत्र नवरात्रि आज से शुरू हो गए हैं। नवरात्रि आदि शक्ति के स्वरूपों को समर्पित त्योहार है। कहते हैं कि नवरात्रि में देवी दुर्गा के स्वरूपों की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। ज्योतिष विदों की माने तो नवरात्रि में हर दिन विशेष रंगों का प्रयोग लोगों का भाग्य चमका सकता है। आप चाहें तो नवरात्रि में हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनकर भी देवी की पूजा कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही फलदायी और मंगलकारी सिद्ध हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन आदिशक्ति के किस रूप की पूजा की जाती है और आप किस रंग के कपड़े पहनकर ये पूजा कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। ये दिन पीले रंग से जुड़ा है जो हमारे जीवन में उत्साह, चमक और प्रसन्नता लाता है। हिंदू धर्म में पीले रंग का बड़ा महत्व है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तो आप भी इस दिन पीले रंग का वस्त्र पहनकर माता को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को भी पूर्ण कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्राउंड न्यूज।